आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि हमें इंटीग्रल सॉल्व करने पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 2 कोसेकेंट टू द पावर 17 dx हमें बताने कि किसके इक्वल है। हमें ऑप्शंस गिवन है, तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट करते हैं दैट इज e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u इज इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट x के इक्वल। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंगली लिमिट भी चेंज होगी। तो देखो अगर हमारा x जो है वो पाई बाय 4 है तो e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u इज इक्वल्स यहाँ पे क्या जाएगा 2 कोसेकेंट ऑफ पाई बाय 4 और 2 इंटू कोसेकेंट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है रूट 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा e टू द पावर u माइनस e टू द पावर प्लस e टू द पावर माइनस u इज इक्वल्स यहाँ पे क्या जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, तो यहाँ पे e टू द पावर u से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी होल इक्वेशन में तो क्या जाएगा e टू द पावर u का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1। ठीक है, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या जाएगा 2 रूट 2 e टू द पावर u। तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा e टू द पावर u का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 e टू द पावर u प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ अगर हम यहाँ पे अब अगर यहाँ पे हम e टू द पावर u देखें तो किसके इक्वल आ जाएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ b दैट इज 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर। तो 2 रूट 2 का स्क्वायर इज 2 टू सा 4, 4 टू सा 8 माइनस 4 ए सी दैट इज 4 और अपॉन यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास 2। तो e टू द पावर u इज इक्वल्स टू क्या जाएगा 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर द रूट 4, 4 का अंडर द रूट क्या होता है 2 अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या जाएगा e टू द पावर u इज इक्वल्स टू रूट 2 प्लस माइनस 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो देखो यहाँ पे जो हमारी लिमिट्स है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये फंक्शन नेगेटिव तो नहीं हो सकता तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे दैट इज़ रूट 2 प्लस 1, दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा u इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 2 प्लस 1। ठीक है, तो व्हेन u कब आया, जब हमारे पास x जो था इज इक्वल टू पाई बाय 4 था देन u हमारे पास ये है। ठीक है, नाउ अब हमारे पास x अपर लिमिट में क्या है पाई बाय 2। तो देखो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 पुट करेंगे तो क्या जाएगा e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u इज इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, व्हिच इज इक्वल्स टू यहां पे क्या जाएगा 2 दैट इज e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो देखो यहां पे हम e टू द पावर u से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या जाएगा स्क्वायर प्लस 1 और इधर माइनस 2 e टू द पावर u इज इक्वल्स टू 0। तो e स्क्वायर, तो यहां पे हम देखो क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर u माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि e टू द पावर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा e टू द पावर u इज इक्वल्स टू 1, दोनों साइड लॉग लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u इज इक्वल्स टू लॉग 1, लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो u इज इक्वल्स टू 0। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू अगर पाई बाय 2 है देन u हमारे पास क्या हो जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, ये हमारी लिमिट्स फाइंड हो गई। नाउ अब हमारे पास क्या था दैट इज e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u इज इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट x हमने लेट किया था। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा e टू द पावर u अगेन पूरी होल टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट x और यहाँ पे क्या जाएगा e टू द पावर u। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे e टू द पावर u का होल स्क्वायर माइनस 2 कोसेकेंट ऑफ x इंटू e टू द पावर u प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया है हमारे पास। ठीक है, तो अगेन सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर u की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी दिस इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर दैट इज 4 कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक है, माइनस 4ab 4ac दैट इज 4 अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर u दिस इज इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट x, 4 कॉमन लेंगे और अंडर द रूट से बाहर आ जाएगा 2 और अंडर द रूट में क्या बचा हमारे पास कोसेकेंट स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा e टू द पावर u 2 कोसेकेंट x प्लस माइनस 2 अंडर द रूट। हमें पता है क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स होता है,
तो यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा हमारे पास कॉट स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई टू. ना टू कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉसिकेन एक्स, और ये हम पॉजिटिव रूट लेंगे तो प्लस कॉट एक्स. ठीक है, ई टू दी पावर यू आ गया हमारे पास दोनों साइड, ये आ जाएगा हमारे पास. ठीक है, अब देखो यहाँ से ई टू दी पावर माइनस यू अगर हम देखें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा वन अपॉन, क्योंकि ई टू दी पावर वन बाई यू लिख सकते हैं, तो दैट इज़ वन अपॉन कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स. ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से, और यहाँ पे इसी से डिवाइड करते हैं दैट इज कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स से. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स. ठीक है, और डिवाइड करेंगे तो देखो ए प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ से देखो कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू वन. तो यहाँ से हमारे पास ए टू दी पावर माइनस यू की वैल्यू क्या आ गई कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स. ठीक है, नाउ अब देखो तो यहाँ पे हमने ई टू दी पावर यू की वैल्यू फाइंड कर लिया और ई टू दी पावर माइनस यू की. अब अगेन अगर हम देखें तो ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू हमारे पास क्या है टू कॉसिकेंट एक्स हमने यहाँ पे लेट किया था. ठीक है, तो देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे तो क्या हो जाएगा ई टू दी पावर यू का ई टू दी पावर यू, ई टू दी पावर माइनस यू का माइनस बार आ जाएगा और ई टू दी पावर यू यहाँ पे क्या आ जाएगा डी यू. दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉसिकेंट एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स डी एक्स. ठीक है, ये आ गया है यहाँ पे हमारे पास. तो देखो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ऑफ ई टू द पावर यू माइनस ई टू द पावर माइनस यू डी यू अपॉन टू कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स. ठीक है, ये वैल्यूज आ गई. तो नाउ देखो कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स की वैल्यू थी हमारे पास कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स की वैल्यू थी. ठीक है, तो देखो देखें अगर हम ई टू दी पावर यू इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास कॉसिकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स. ठीक है, और ये ई टू दी पावर यू है तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टू ई टू दी पावर वेट इनको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू इज इक्वल्स टू टू कॉसिकेंट एक्स. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉसिकेंट एक्स डिवाइडेड बाई टू. ठीक है, एंड सिमिलरली अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते ठीक है तो ये कैंसिल होते और यहाँ पे क्या आता ई टू दी पावर माइनस यू माइनस ई टू दी पावर यू दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू कॉट ऑफ एक्स. ठीक है, तो कॉट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से दिस इज इक्वल्स टू माइनस यहाँ से कॉमन तो यहाँ दिस इज ई टू दी पावर यू माइनस ई टू दी पावर माइनस यू डिवाइडेड बाई टू. तो ये हमारी कॉसिकेंट कॉट एक्स की वैल्यू आ गई. तो देखो माइनस ई टू दी पावर यू माइनस ई टू दी पावर माइनस यू डी यू अपॉन टू कॉसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या है e टू दी पावर यू प्लस e टू दी पावर माइनस यू डिवाइडेड बाई टू. ठीक है, और यहाँ पे cot x की वैल्यू क्या है e टू दी पावर यू माइनस e टू दी पावर माइनस यू डिवाइडेड बाई टू. ठीक है, ये वैल्यू आ गई है हमारे पास. नाउ टू से टू कैंसिल, ये किसके इक्वल चल रहा है dx के इक्वल और e टू दी पावर यू माइनस ये कैंसिल. ठीक है, तो dx इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस ये टू ऊपर चला जाएगा टू अपॉन e टू दी पावर यू प्लस e टू दी पावर माइनस यू डी यू के इक्वल. ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके डी एक्स की वैल्यू भी निकाल ली. ठीक है, नाउ अब देखो अब हमारा इंटीग्रल क्या था दैट इज पाई बाय फोर टू पाई बाय टू. इंटीग्रल हमारा क्या था पाई बाय फोर टू पाई बाय टू टू कॉसिकेंट एक्स टू द पावर सेवनटीन डी एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा देखो लिमिट्स भी चेंज हुई थी व्हेन पाई बाय फोर जब थी तभी हमने फाइंड किया था तो हमारा यू क्या होगा लॉग रूट टू प्लस वन. ठीक है, तो लॉग रूट टू प्लस वन. ठीक है, और जब पाई बाय टू थी तब हमारी यू की वैल्यू क्या थी ज़ीरो. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ज़ीरो. टू कोसिकेंट एक्स को हमने यहाँ पे क्या एलेट किया था दैट इज ई टू द पावर यू प्लस ई टू द पावर माइनस यू और यहाँ पे क्या जाएगा टू दी पावर 17 और यहाँ से dx की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी दैट इज माइनस टू अपॉन ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू डी यू. ठीक है, देखो लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस बाहर आएगा और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा दैट इज जीरो टू लॉग ऑफ रूट टू प्लस वन और यहाँ पे एक पावर ही कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा 16
और टू बाहर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू टू दी पावर 16 डी यू। ठीक है, तो अब अगर हम हमारे ऑप्शंस देखें तो देखो टू दी पावर 16 है और हमारे पास क्या है, ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू। तो देखो क्लियरली, देखो सबकी लिमिट्स तो सेम है, पर ई टू दी पावर यू यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, तो और यहाँ पे सब में 17 है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत है। और पावर हमारा यहाँ पे क्या था, ई टू दी पावर यू प्लस ई टू दी पावर माइनस यू, दैट इज क्लियरली ऑप्शन वन इज करेक्ट। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।